हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि कल जो है आपकी सीटेट जुलाई की आंसर की आ चुकी है। आपका पेपर हुआ था 7 जुलाई को और आप देख ही सकते हो कि आपके सामने आंसर की आ चुकी है। उसके बाद से मेरे पास हर जगह बस यही मैसेज आ रहा है कि क्या एक या दो नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाला होता है वो 81 और 89 या एक से दो नंबर कम है। मान लीजिए आप OBC से हैं, SC ST से हैं, 81 है, जनरल से हैं, 89 है, तो एक नंबर बढ़ जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ जो केस है वो ये है कि हमारा 90 नंबर है, हम जनरल से बिलोंग करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट में नंबर कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। दूसरा कि बोनस मार्क्स रिलेटेड, ये हर बार होता ही है कि बोनस मार्क्स जो है वो आपको कितना बढ़ेंगे, किसके किसके बढ़ेंगे, दूसरा चीज़ के कितने नंबर बढ़ सकते हैं और वो क्या सभी का बढ़ेगा। और एक चीज़ और है गलत आंसर से रिलेटेड, और एक दो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं टीम के द्वारा, मुझे शेयर किया गया, तो अभी उस पर बात करेंगे कि कौन कौन सा है। बेसिकली अभी तक मैंने सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो लोग आप बता रहे थे, बट उसके आंसर ऑफिशियली आंसर के में सही हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि जो बालवाड़ी क्रेज है ना, कि एक कानून पारित किया गया था कि अगर किसी भी ऑफिस में महिला कर्मचारियों की संख्या जो है वो 30 से अधिक होगी तो वहाँ पर क्रेज की सुविधा देनी होगी, तो वो आंसर एकदम सही है। कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका आंसर गलत है, बट मैंने ऑफिशियली आंसर किसे चेक किया है, 30 है और वो सही है। इसके अलावा अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चंस का, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि एक एक कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ तो वहां से मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड आंसर की को वेरीफाई कर लूंगी, ठीक है। तो और दूसरा चीज़ है चैलेंज, क्योंकि आपको पता ही है चैलेंज इतना सस्ता तो है नहीं भाई, 100-200 रुपए हैं कि सभी कोई कर देगा। इतना महंगा है कि अगर आप 5 क्वेश्चंस ही करने जा रहे हैं तो 5,000 तो ऐसे ही लग जाएंगे, वो भी इस समय जहां पर नौकरी तो मिल नहीं रही है और चैलेंज करने का ही आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। और अगर यहां पर देखा जाए कितने नंबर बढ़ेंगे, रिजल्ट हो गया, नेक्स्ट सीटेट हो गया, इन सभी पे बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से अब आपका ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। उसके बीच में आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं दोबारा से सीटेट की, ये चीज़ मैं पहले बता देती हूँ। तो अभी से आप तैयारी करेंगे तभी जाकर नेक्स्ट सीटेट के लिए आप प्रिपेयर हो पाएंगे, क्योंकि इस बार भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है जितना पिछली बार था, पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आखिर में बोनस मार्क्स किसको मिलता है और कितने बढ़ेंगे। तो देखो, एक तो दो तीन चीज़ें होती हैं, जैसे कि आंसर कैसे और रिजल्ट में आने में कितना डिफरेंस होता है। आंसर कैसे और रिजल्ट में अगर आपने देखा होगा पिछली बार भी, क्योंकि इतनी बार तो हो ही चुका है, हमें पता ही चल चुका है, तो किसी के नंबर उतने ही कॉन्स्टेंट होते हैं, किसी का नंबर बढ़ जाता है, तो किसी किसी का नंबर, एक दो स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि एक दो नंबर कम हो गया है। ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से आंसर कैसे मैच कराया है। दूसरा, नीचे जो लिखा है ना A=BZ, उस नंबर को अगर किसी के भी आंसर की में वो है तो आप उसका एक एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें कंफ्यूज मत होना, वो जो नीचे लिखा हुआ है ना A=BZ, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे अगर वो किसी के आंसर की में है, तो उस तरीके से आप उस एक नंबर को जोड़ लेना। बाकी उतना नहीं बढ़ता है, एक या दो नंबर ही बढ़ता है। अगर आपके 10 से क्वेश्चंस आपको लग रहा है गलत है, 12 क्वेश्चंस है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो 10 से क्वेश्चंस को देखे। इवन कई बार कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं ना पैडागॉजी के, उसको तो वो मानते ही नहीं है। आप NCERT का तो फिर भी फैक्ट के बेस पे दिखा सकते हैं, बट पैडागॉजी वाले क्वेश्चंस के आंसर ये लोग कभी मानते ही नहीं है, ठीक है। उसका तो कोई सर पैर ही नहीं है, उस आंसर को ही सही मान लेते हैं। तो 10 से 12 और आज तक हार्डली हुआ होगा कि एक या दो नंबर के भी चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये तो करते नहीं है। हाँ, बस ये है कि 26 जुलाई तक है, चैलेंज कर सकते हो। इनको हजारों स्टूडेंट्स करते हैं, इनकी एक बार फिर से अच्छी खासे इनके पास पैसे कलेक्ट ही हो जाते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये कि सभी को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हार्ड एंड मनी को वेस्ट मत करना। दूसरी बात कि अगर कोई भी चैलेंज करता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन को चैलेंज करने पे सभी को मार्क्स बट मिलेंगे, तो मैं उस क्वेश्चन को करूंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन कर लूँ, क्योंकि आप भी जानते हो कि 1,000 रुपये है, 5 क्वेश्चन के ही 5,000 हो जाते हैं। तो चैलेंज करने पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चन चैलेंज किया है, अब मैंने तो पेपर दिया नहीं है, बट अगर उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया जाएगा तो उसके मार्क्स जो है सभी को मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक चैलेंज करेगा तो उसी को नहीं, अगर वो क्वेश्चन सच में उस सीटेट ने गलत दिया है उसका आंसर, तो उसके मार्क्स सभी को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए सभी को करने की जरूरत नहीं है। तो कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो आंसर किया आ चुका है आपका। रिजल्ट पिछली बार जो है 21 जनवरी को पेपर हुआ था, रिजल्ट आ गया था 15 फरवरी को, 5 दिन पहले ही आ गया था, 1 महीना होने में। इस बार भी आपका 7 जुलाई को पेपर हुआ है, तो आपका रिजल्ट 7 अगस्त को नहीं, 1 से लेकर 5 के बीच में कभी भी आ जाएगा। तो रिजल्ट में आप देख लेना, आपके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। अगर किसी के 5 नंबर कम है, 10 नंबर कम है, तो प्लीज़ इनसे जो है आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपके नंबर इतने बढ़ जाएंगे, भले से गलत क्यों ना हो। तो आप अभी से सीटेट दिसंबर की तैयारी करो, नेक्स्ट सीटेट की फॉर्म भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया है एक या दो, कोई अगर ये सोचेगा कि उसके 7 नंबर बढ़ जाएंगे, तो प्लीज़ इस चक्कर में मत रहना, कभी नहीं बढ़ते हैं, आज तक तो कभी नहीं बढ़ा है।
दूसरी चीज की गलत आंसर मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको लगे, अगर आपको खुद भी लगता है कि ये गलत है तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास उसका फैक्ट है। नहीं है तो सोशल साइंस का अगर आपको लगता है तो मैं उसका एनसीईआरटी का आपको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है फैक्चुअल चीजें वो प्रोवाइड करा दूंगी, बट पहले वो देखना पड़ेगा कि वो गलत है या नहीं। दूसरी चीज, चैलेंज आपको 26 जुलाई तक करना है, 1000 है, ठीक है, 1000 है इसके रुपीस, और एक क्वेश्चन का 1000, दो का 2000 हो गया। तो इस तरीके से आप देख ही सकते हो कि कुछ सस्ता तो नहीं है, बहुत ही महंगा पड़ेगा। और आपको पता है कि जब ये चैलेंज हम करते हैं, अगर उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो पैसे रिफंड होते हैं, और अगर मान लो चैलेंज किया एक्सेप्ट नहीं हुआ तो पैसे भी रिफंड नहीं होंगे, पैसे भी चले जाएंगे, ठीक है, तो सोच समझ के कीजिएगा। दूसरी चीज़ की, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 90 नंबर होने चाहिए, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो आपके 82 नंबर पे पास हो, बट वो ओनली आपके स्टेट में। ओबीसी एससी एसटी अगर किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया झारखंड में तो वहीं का चलेगा, या फिर आप डी ट्रिपल एस बी में जाना चाहते हैं तो ओबीसी एससी एसटी को भी 90 ही मार्क्स चाहिए, ये चीज़ क्लियर है। तो अगर आप 82 हैं तो आप अपने स्टेट में भर सकते हैं, दूसरे स्टेट में नहीं। हाँ, केंद्रीय विद्यालय में 82 वाले जा सकते हैं क्योंकि वो सेंट्रल लेवल की है। रिजल्ट आपको मैंने पहले बता दिया है, 1-5 अगस्त के बीच में आएगा। नेक्स्ट सीटेट आपका जो है होना है दिसंबर में, वही पिछली बार तो जनवरी में चला गया था, होप है, आई होप कि इस बार जो है आपका दिसंबर में ही हो जाए। वैसे ये चांसेस हैं क्योंकि देखो जुलाई वाला जो एग्जाम था उसका नोटिफिकेशन इन्होंने बहुत पहले दे दिया था। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी अभी से करो, अगर आपके मार्क्स कम हैं। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप सोशल साइंस का नोट्स ले सकते हो, बाकी के सब्जेक्ट्स के भी नोट्स हम बना रहे हैं, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। एक चीज़ अच्छी हुई कि जितने लोगों ने हमसे नोट्स लिए थे उन सभी का सीटेट का पेपर टू सोशल साइंस के भरोसे पास हो गया, क्योंकि 60 नंबर आता है सोशल साइंस में, आप समझ सकते हो 60 नंबर इतना बड़ा नंबर, ह्यूज नंबर है, क्योंकि 30 नंबर 20 नंबर नहीं, सीधे 60 नंबर है, और अगर इसी में आपके 49 आ जा रहे हैं तो पेपर आराम से निकल जाता है। तो सोशल साइंस के नोट्स आप ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मीडियम में मिलेगा, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। 68 की कंप्लीट एनसीईआरटी चैप्टर वाइज है, एंड नंबर में मैसेज करना, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि मेरे पास मैसेज इस चीज़ के बहुत आते हैं ना कि हमारा क्या 4 नंबर बढ़ सकता है, 5 नंबर बढ़ सकता है, कितनी सियोरिटी है किसी को नहीं पता है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल सकती हूँ कि आपके 4 नंबर बढ़ जाएंगे 5 नंबर, हाँ ये है कि आंसर की और रिजल्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 1 या 2 नंबर का। अगर किसी के 1 या 2 नंबर कम है तो आप ये होप कर सकते हो कि आपका नंबर बढ़ सकता है रिजल्ट में। इवन अगर चैलेंज किया हुआ भी नंबर एक्सेप्ट हो जाता है, चैलेंज किया हुआ तो भी आपको नंबर मिलेंगे, और वो सभी को मिलेगा। दूसरी चीज़ के, मान लो किसी का 90, अब उनको इसी चीज़ का डर है कि कहीं उनका कम हो के 89 ना हो जाए, तो ऐसा तो रेयरली हुआ ही है, कभी होता नहीं है। हाँ, अगर आपने एकदम सही से मैच किया है तो, अगर आपने एकदम सही से मैच किया है तो आपके नंबर इतने रहेंगे। ये जरूर हो सकता है कि आपका 1+ हो जाए, आपका 2+ हो जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बोनस मार्क्स अगर आपको मिलेगा तो मे बी आपका 92 हो जाए। अब जिसका 81 है, अगर उसको बोनस मार्क्स मिलता है मान लो 2 नंबर, तो आपका 82 हो सकता है, जितने भी नंबर हैं तो आप पास हो सकते हो 81 वाले। तो इस तरीके से, और नीचे वाला जो है ना, अगर आपके आंसर की में है A=B=2, वो उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, उसका नंबर सबको नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए किसी ऑप्शंस के सामने आपका लिखा हो कुछ, जो नीचे लिखा हुआ है आप उसको एक बार ध्यान से देख लेना, उन्हीं को नंबर मिलेगा और बाकी किसी को नहीं। तो चलिए, फाइनली आंसर की तो आई चुकी है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, स्पेशली हमारा जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, आप मुझे कमेंट करके बताना, और क्योंकि कुछ मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं जो आंसर पहले ही सही है कि वो गलत है, ऐसा तो होता नहीं है। मैंने खुद पर्सनली ही 2-3 क्वेश्चन चेक किए हैं जो लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कि सोशल साइंस का इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, तो मैं उसको चेक करती हूँ, ठीक है। तो चलो, अगर मुझे लगेगा तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन पे ही चैलेंज करूंगी, क्योंकि बहुत सारा चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है, पैसे भी वेस्ट होते हैं और ये लोग स्कोर भी नहीं देते हैं, मतलब वो चेंज भी नहीं करते हैं, और ना ही पैसे भी गए, ना तो स्टूडेंट्स का नंबर भी नहीं बढ़ा। तो इसलिए हम बहुत ध्यान से करेंगे कि किस क्वेश्चन पे करने से नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।